को देख सकते हैं कि एजुकेशनल और सोशल ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अवेयरनेस। अब तक मैं और मेरी टीम के लोग 150 प्लस चर्चेस में और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे जाके एजुकेशन के हवाले से हम बात करते हैं। इवन दो मैंने एक दफा हम एक मेमोरियल सर्विस पे थे और वहां पे भी मुझे मौका मिला, तो मैंने बात करने का हक तो नहीं था, लेकिन मैंने वहां पे भी एजुकेशनल अवेयरनेस की बात करी। और हम एक शादी में थे और वहां पे मैं ये स्टैंड ले रहा था कि काश कि हम शादियों पर एक दूसरे को बुके गिफ्ट करने की बजाय काश कि कुछ कार मार्क्स की या कुछ रिफॉर्मेशन की या कुछ एस्टैब्लिशमेंट की गवर्नेंस की गवर्नमेंट की लीडरशिप की बुक्स जो है एक दूसरे को गिफ्ट किया करें। तो इट वाज द पैशन और विजन कि हम एजुकेशन को प्रमोट करें। और मेरा मानना ये है और मैं इस पर पूरे तौर पर मसूद से ईमान रखता हूँ कि दुनिया को निजात देने के लिए खुदा यीशु मसीह का खून जो है बलियों इंसान की निजात का वाद रस्ता है। और हम सबको मुल्के पाकिस्तान में और दुनिया में मार्जिनलाइज्ड क्रिश्चियंस की जो ग्रोथ है और उनका जो स्टैंडर्ड है हाई करने का जो वहां एक रस्ता है वो एजुकेशन है। इसके अलावा हमारे पास कोई और टूल नहीं है। कोर वैल्यूज हैं हमारी फेथ और स्पिरिचुअल ग्रोथ के ऊपर हम बात करते हैं। हमने अब तक जितने भी इवेंट्स किए हैं हम हमेशा इस बात को पलूजे खाते रखते हैं कि हम कलाम और दुआ के साथ आगाज करें। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और अवेयरनेस की हम बात करते हैं। कम्युनिटी टू पीस एंड जस्टिस, हमारे साथ कई दफा कई लोगों ने कोलैबोरेट किया है जो कि पीस और जस्टिस को प्रमोट करने की बात करते हैं। हम इंक्लूसिवनेस की बात करते हैं, डाइवर्सिटी की बात करते हैं। मैं बिलीव करता हूँ कि कायनात खुदा ने बड़ी खूबसूरत बनाई है, इसमें जितने भी लोग हैं उन सबको हमारे साथ चलना चाहिए और शामिल होना चाहिए। Whenever I have to think about Christian youth, I think about possibility. People call it adversity, I call it opportunity. They call it loss, I call it gain. They think about sacrifices and I think about achievements. Being a Christian minority, हम जिंदगी में बहुत सी जगहों पे डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं। उस डिस्क्रिमिनेशन को फेस करने पर मेरी जुबान से जो जुमला अदा होता है वो कुछ यूं है, कुछ कहूं तो जायका मुंह कर जाता है, कुछ कहूं तो जायका मुंह कर जाता है, चुप रहूं तो कलेजा मुंह को आता है। विदाउट फर्दर डिले लेट मी इंट्रोड्यूस the most awaiting session of the eve, the panel discussion. The title is Challenges and Opportunities of Youth in Today's World. मुझे लगता है कि दुनिया के तमाम तर मसलों का हल सिर्फ एक नुक्ते में पिन्हा है, and that is discussion. A positive and healthy discussion. जब चंद ज़हीन, intelligent, educated और updated mindset के लोग एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे होकर बात करते हैं। मैं सबसे कहता हूं कि आए सियासत का हिस्सा बने, सियासत को ज्वाइन करें। सियासत में दो काम जरूरी होते हैं जो दूसरे लोगों को पसंद नहीं होते। एक तो सियासत आपके विजन को क्लियर करती है, आप देखना शुरू करते हैं और आपको समझ आते हैं कि गलत क्या है और दुरुस्त क्या है। ये विजडम आपको पॉलिटिक्स देती है और दूसरे आपको जुबान देती है, आप बोल भी सकते हैं। जो लोग पॉलिटिक्स में नहीं होते वो इस तरह चीजों को डिफ्रेंशिएट भी नहीं कर सकते, उन्हें गलत और दुरुस्त का दराग नहीं होता और ना वो बोल सकते हैं। बहुत सारे हमारे जो लोग हैं वो नहीं चाहते कि लोग पॉलिटिक्स में आए, चाहे उसमें हमारे रिलीजियस हायरार्की हो या कोई और हो, क्योंकि वो लोग नहीं चाहते कि लोगों को अवेयरनेस हो या कोई भी और हो। मतलब इस तरह हमारे फ्यूडल लॉर्ड्स हैं, वो भी नहीं चाहते कि इस तरह नौजवान जो आए वो अपने पसमानदा कौम के लिए बात करें। तो इन अ वेरी अर्ली स्टेज आई वाज अ स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास जब शहीद शहबाज भट्टी क्रिश्चियन मिशन फ्रंट का आगाज किया, तो ये उनकी तरबियत की वजह से आज हम इस मकाम पे हैं कि हम लोगों के लिए बोल पाते हैं। और जब लोग कहते हैं कि कोई बात ना करे तब भी हमें बात करनी पड़ती है लोगों के लिए, तो मैं आज बिल्कुल अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि सिर्फ अपनी एजुकेशन बहुत जरूरी है, आप एजुकेट हों, लेकिन साथ साथ उसके हर पढ़ा लिखा आदमी बाशऊर नहीं होता। मैं एक और एंगल से कहता हूँ, पढ़ा लिखा होना बेशक जरूरी है लेकिन बाशऊर होना भी जरूरी है। मैंने बड़े बड़े प्रोफेसर्स को मिलकर देखा है तो उनको अभी सेक्शन 295C, BA इस तरह की वो क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते, उनको पता ही नहीं कि कौन सा जुर्म काम पे लगता है। तो ये जरूरी है कि हमें, चूंकि हम मुतासर होते हैं इशू से, तो हमें बाशऊर भी बनना है तालीम के साथ साथ। एक कंक्लूडिंग प्रेयर के साथ हमारे इस फॉर्मल ट्रेनिंग सेशन को कंक्लूड करें। Someone was disparaged or otherwise labeled as a minority student.
So this is really wonderful that we are now mature enough and we are working in a university that is a beautiful workplace as well as that is a beautiful institution for learning. And at least we have learned this much that we don't know who holds which religion, who is of what creed, who is of what sect. We're damn here. Yes, we care one thing, that how much one is contributing to society, to community, to your fellow university students, to your university institution as an institution, and moreover, how you are working to multiply the credibility of university by working in your academia, by playing your big role in different societies. So this is something that is more important. So, and this is a beautiful culture now that we have established, and we'll definitely be multiplying this culture in our upcoming days. And I am sure with the passage of time, this culture would be spread out in our society too. And we'll have more wave of tolerance, we'll have more patience, and possibly, this is possible, that with the passage of time, we'll be more good listeners and we'll start listening to each other with patience and with logic. Although I believe that religion is very much personal, so we haven't any concern and we should not have any concern with other religion. Jesus Christ ki jitni preem hai, wo unki jawani ki banti hai. साल में वो तमाम चीजें कंप्लीट करके इस दुनिया से चले गए। तो यूथ की अहमियत क्रिश्चियन को कैसे समझ लेनी चाहिए कि जो लीडर है वो यंग ही होना चाहिए। और मैंने भी अपने आप को यंग दिखने के लिए सुबह दाढ़ी पीछे काली की। अच्छा, ये जो बात मेरे से जो सवाल किया गया है, मैं किसी भी सूरत ये नहीं मानता कि तालीम के अलावा कोई और रास्ता है। तालीम ही एक रास्ता है। हमें सबसे पहले ये समझना है कि जो तालीम है वो नौकरी के लिए नहीं है। जो डिग्री है ना, डिग्री आपको नौकरी दिला सकती है, तालीम नहीं। तालीम आपको माशरा भी सिखाता है। आप किसी भी शोबे में हैं तो आप वहां से कुछ ना कुछ जरूर सीखते हैं, लेकिन तालीम का हासिल करना इसके अलावा कोई और रास्ता तो है ही। ये आपने, और मैं सेकंड बात करूंगा, अपना भट्ट साहब की बात को सेकंड करूंगा कि हमारे नौजवानों को उनका किसी पार्टी से ताल्लुक है, मेरा किसी पार्टी से ताल्लुक है, लेकिन हमारे नौजवानों को हर सूरत पॉलिटिक्स का जो है पता होना चाहिए। इकोनॉमिक माइग्रेशन या उसके अलावा किसी भी तरह की माइग्रेशन जब आप करते हैं किसी और मुल्क में, उसको हम ब्रेन ड्रेन का नाम देते हैं। स्पेशली जो हमारे इसमें स्पेसिफिकली जब हमारे ब्रेन, जिनको हम कहते हैं कि हमारी सोसाइटी की क्रीम है, या जो एक थिंक टैंक होता है, या वो लोग जो सोसाइटी में एक बेहतर तरीके से पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं सोसाइटी की डेवलपमेंट में, जब वो मूव करते हैं तो उसको हम ब्रेन ड्रेन का नाम जो है वो देते हैं। शायद पिछली सदी का नौजवान इन चक्करों में उलझ रहा हो। हमें प्रॉस्पेरिटी गॉस्पल का एक नैरेटिव दिया गया। आप देखें कि हमारे कितने अच्छे ज़हीन नौजवान थे जिनको हमने बाजे तबले की नजर कर दिया, जिनको हमने गिटार की नजर कर दिया। कभी आपने एनालिसिस किया इसका? ये वो बड़ा चैलेंज है जो हमने खुद, जो रिलीजियस लीडरशिप है उसने अपनी सफों में देख लिया। तो व्हाट वी आर डूइंग।